हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसक्यूएल सर्वर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं व्यूज़, मतलब व्यूज़ इन एसक्यूएल सर्वर। भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। अगर आप एसक्यूएल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एसक्यूएल सर्वर को एज अ डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हो, तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्यूज़ का। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है व्यूज इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। व्यूज क्या होते हैं एसक्यूएल सर्वर में, इसको देखते हैं, ठीक है। अगर आप इसका पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, अ व्यू इन एसक्यूएल इज जस्ट अ सेव्ड एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। इसका मतलब जो भी एसक्यूएल क्यूरी आप एग्जीक्यूट करते हो, अगर आप उसको सेव कर लो, तो वो क्या बन जाएगा, एक आपके पास व्यू बन जाएगा, ठीक है। मतलब आप कोई क्यूरी बार बार एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, आप क्या करो, उसका एक व्यू बना के रख लो, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट है, अ व्यू कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज वर्चुअल टेबल। अब देखो वर्चुअल का मतलब, अगर इंग्लिश में बताऊं तो वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी टेबल, ठीक है, मतलब जो कि रियल में जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। वर्चुअल टेबल उर्दू में बताऊं तो उसका मतलब ख्याली टेबल, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा टेबल होता है जो कि किसी दूसरे टेबल की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब व्यू आप कह सकते हो किसी दूसरे टेबल की परछाई। तो मतलब अगर इस व्यू में मैं कोई भी चेंजिंग करूंगा, तो उस व्यू में भी अप्लाई होगी, और जिस टेबल से उस व्यू को मैंने बनाया हुआ है, उस टेबल के ऊपर भी चेंजेस अप्लाई होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे व्यू को क्या कहा जा रहा है, एक वर्चुअल टेबल, मतलब इमेजिनरी ख्याली एक टेबल है, ठीक है, जो कि किसी दूसरे टेबल की मदद से इसको क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो हमारे पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज के हवाले से, जिसमें सारे एम्प्लॉयज की क्या है, डिटेल्स मौजूद है, उनकी सैलरी डिटेल्स मौजूद है। लेकिन हम क्या करें, हम एम्प्लॉयज को वो सारा डेटा ना दिखाएं, हम क्या करें, अपने टेबल में से कुछ रोज का या कुछ कॉलम्स का क्या करें, एक व्यू बना लें, ठीक है, और फिर उस व्यू का एक्सेस हम किसको दे दें, अपने एम्प्लॉयज को दे दें, ताकि वो पूरा टेबल ना देख सकें। मतलब हम उन्हें अपने टेबल का एक्सेस ना दें, बल्कि इस व्यू का एक्सेस दे दें, तो जिससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज होंगे वो उस व्यू को एक्सेस कर सकेंगे, जिसमें लिमिटेड डेटा वो देख सकते हैं। क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कंपनी की अगर वो व्यू क्रिएट कर रही है, तो वो क्या क्या छुपा सकती है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी का कॉलम छुपा सकती है, सैलरी की डिटेल्स छुपा सकती है, ठीक है, डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट की डिटेल्स छुपा सकती है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल टेबल। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ मैनेजमेंट स्टूडियो में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक माई डिपार्टमेंट और एक माई एम्प्लॉयज। अब मैं चाह रहा हूँ एक व्यू बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक व्यू देना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर वो क्या कर सके, अपने मतलब अपनी डिटेल्स भी देख सके, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने डिपार्टमेंट का नेम भी देख सके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों टेबल्स को, ये जो ऊपर शो रहा है ये माय डिपार्टमेंट है, और जो नीचे शो रहा है वो माय एम्प्लॉयज, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक व्यू बना दूं, और उस व्यू का एक्सेस मैं किसे दे दूं, अपने एम्प्लॉयज को दे दूं, ताकि आपने जो भी डेटा वहां से देखना है वो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर, अब व्यू मैं बताता हूँ किस तरह से हम बनाते हैं उसका सिंटैक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, फिर उसके बाद व्यू, ठीक है, और फिर व्यू का नाम, ठीक है, जिस तरह हम क्रिएट टेबल करते थे उसी तरह क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम, ठीक है। अच्छा, व्यू के लिए मैं एक प्रीफिक्स यूज कर रहा हूँ VW, ठीक है, जिसको हम नेमिंग कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अपने नाम के शुरू में अगर VW लगा दिया ना, तो इसका मतलब कि जिस तरह हम TBL लगाते थे टेबल से पहले, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे VU और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ VU फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है, मतलब ये क्या है, मेरे व्यू का नाम है,
ठीक है, और बी डब्ल्यू लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एक व्यू है। फिर उसके बाद एज का कीवर्ड, ठीक है, अब देखो ये एज वो वाला नहीं है, कौन सा एलियास वाला नहीं है, ठीक है, ये व्यू के लिए यहाँ पे यूज होता है, मतलब जो भी मैं सेलेक्ट की क्यूरी लिखूंगा इस व्यू के लिए वो इस एज के बाद आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे मैं कहता हूँ हमारे पहले टेबल का नाम है फॉर एग्जाम्पल माई एम्प्लॉइज, ठीक है, और इसको मैं एलियास देता हूँ एज ए, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं ज्वाइन के लिए यूज करता हूँ इनर ज्वाइन, ठीक है, और इनर ज्वाइन मैंने लगाना है माई डिपार्टमेंट के टेबल में, ठीक है, और इस माई डिपार्टमेंट के टेबल को मैं एलियास देता हूँ बी, ठीक है। फिर ऑन हम यूज करते हैं ज्वाइंस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ए डॉट, ठीक है, ए डॉट एम्प्लॉय आई डी जो है, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको कि जो बी का टेबल है, या आप दोनों सूरतों में कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैं कह रहा हूँ जो बी का टेबल है वो बी कौन सा है, माई डिपार्टमेंट वाला टेबल है, उसकी मुझे आई डी चाहिए और उसको मुझे ज्वाइन करवाना है किसके साथ, ए डॉट यहाँ पे डिपार्टमेंट आई डी, क्योंकि देखो यही कॉलम सेम है, हमने जब ज्वाइंस पढ़े थे हमने डिस्कस किया था कि जो सेम कॉलम्स होते हैं उसको मर्ज करके हम क्या लगाते हैं, ज्वाइन लगाते हैं दो टेबल्स के दरमियान। तो यहाँ पे जो बी का टेबल है, ठीक है, बी का टेबल हमारे पास कौन सा है, माई डिपार्टमेंट, तो ये माई डिपार्टमेंट वाला टेबल ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, तो इसकी आई डी मैंने ले ली, और जो ए टेबल है, ए टेबल कौन सा है हमारे पास, माई एम्प्लॉइज, इसकी डिपार्टमेंट आई डी, तो देखो ये दोनों कॉलम सेम है ना, आई डी और डिपार्टमेंट आई डी, तो इनके थ्रू मैं क्या करूंगा, ज्वाइन लगा दूंगा। तो अगर मैं सिर्फ ये वाली क्यूरी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखो, हमारे पास ये एम्प्लॉय माई एम्प्लॉइज का सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके एम्प्लॉय आई डी से लेके यहाँ तक ये डेटा माई एम्प्लॉइज में से आ रहा है, और ये जो हमारे पास डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, माई डिपार्टमेंट के टेबल से, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्यूरी है ना, ठीक है, मैं इसका एक व्यू बना लूँ और व्यू वो वाला व्यू मैं अपने एम्प्लॉइज को दे दूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो कमांड मैंने ऊपर लिखी थी इन सारी लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आऊं और इसको एग्जीक्यूट करूं, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अब हमारा ये व्यू बन चुका है, ठीक है। तो अब मैंने इस व्यू को देखना है तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह हम टेबल देखते हैं ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फिर व्यू का नाम, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आओ एग्जीक्यूट करो तो आप रिजल्ट देखना, देखो यही हमने व्यू बनाया था, यही नाम रखा था, तो उसी के थ्रू अब देखो क्या आ गया, मेरे पास सारा डेटा इस वक्त डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो आईडी है ना, देखो दो दफा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो माय डिपार्टमेंट के अंदर आईडी है ना, ये ना, मतलब जो माय डिपार्टमेंट का टेबल है उसमें से मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा व्यू बना हुआ है ना, अब मैं इसको करता हूँ अल्टर, मतलब यही जो व्यू बना हुआ है मैंने इसको करना है अल्टर। अगर आप अल्टर नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करो, इसका नाम चेंज कर दो तो एक नया व्यू बन जाएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अल्टर के ऊपर अभी हम आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नया व्यू बनाता हूँ, इसका नाम क्या रख रहा हूँ, क्रिएट व्यू, और फिर इसका नाम क्या होगा, वी डब्ल्यू फॉर एम्प्लॉइज वन, ठीक है, मतलब एक नया व्यू मैं बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल की जगह मैं यहाँ पे कहता हूँ ए का जो टेबल है, ए का टेबल कौन सा है, माई एम्प्लॉइज, डॉट लगा के मुझे इसके सारे कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टार, देख रहे हो, मतलब ए डॉट स्टार का मतलब ए टेबल जो कि माई एम्प्लॉइज का टेबल है उसके सारे कॉलम्स मुझे दिखाओ, ठीक है, और बी का जो टेबल है उसमें से मुझे क्या दिखाओ, जस्ट डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि मुझे उसकी आई डी नहीं चाहिए, ठीक है, आई डी उसको कहाँ से मिल जाएगी, ए टेबल में से, माई एम्प्लॉइज के टेबल में से मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको सिर्फ ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो अब देखो जो दो दफा डिपार्टमेंट आईडी और आईडी आ रहा था वो एक दफा आ रहा है, ठीक है, मतलब माय एम्प्लॉइज के सारे कॉलम्स, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, ए डॉट स्टार, और बी टेबल में से मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, सही है। तो अब अगर इसका मैं व्यू बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब यहाँ पे मैं ये मेरे पास अब ये मैंने दूसरा व्यू बनाया और इसका नाम था व्यू एम्प्लॉइज वन। तो अब इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, तो देखो वही व्यू हमारे पास अब शो हो रहा है, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर आते हैं अब फॉर एग्जाम्पल अपनी यहाँ पे थ्योरी पे, ठीक है,
अच्छा, ये तीनों ऑपरेशंस करने से पहले मैं एक ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो, व्यूज कैन बी यूज्ड एज अ मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट रो एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी। इसका मतलब कि व्यूज आप किस लिए यूज कर सकते हो, कि आप फॉर एग्जाम्पल सारे कॉलम्स नहीं दिखाना चाह रहे अपने एम्प्लॉयज को, या सारी रोज नहीं दिखाना चाह रहे, तब भी आप उनका क्या बना सकते हो, एक व्यू बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ये वाला जो व्यू था हमारा, ठीक है, ये वाला सही, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे देखो मैं एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी भी दिखा रहा, ठीक है। देखो सैलरी कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब सैलरी एक एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय को नहीं बताई जाती, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कॉलम लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करें और एक ऐसा व्यू बनाए जिसमें सैलरी का कॉलम ना हो, ठीक है। मतलब ये टेबल में तो वो रहेगा सैलरी का कॉलम, लेकिन जब मैं उसका व्यू बनाऊंगा तो सैलरी का कॉलम मैं अपने एम्प्लॉय से क्या कर लूंगा, हाइड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह ये जो हमारे पास था, मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम फॉर एग्जाम्पल अब मैं रख लेता हूँ व्यू फॉर एम्प्लॉयज टू, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मैंने ए डॉट सारे, मतलब ए कौन सा हमारे पास टेबल है, माई एम्प्लॉयज के सारे कॉलम दे रहा था, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, सारे कॉलम्स नहीं, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे ए डॉट एम्प्लॉय आई डी, ठीक है, एम्प्लॉय आई डी चाहिए, फिर उसके बाद ए डॉट मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद ए डॉट जेंडर, सही है। और अब मुझे सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है, तो सैलरी का कॉलम मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ए डॉट अब मैं कर देता हूँ आगे सिटी, ए डॉट सिटी, और यहाँ पे ए डॉट डिपार्टमेंट आई डी, ठीक है, ए डॉट डिपार्टमेंट आई डी, और बी डॉट डिपार्टमेंट नेम वैसे का वैसा, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन को नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊं, ठीक है, तो ये देखो अब अगर मैं आपको ये व्यू दिखाऊं, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना, तो देखो अब इस व्यू में सैलरी का कॉलम नहीं आ रहा, इसका मतलब कि यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, व्यूज कैन बी यूज एज अ मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट रो एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी। रो लेवल सिक्योरिटी पे अभी आते हैं, अभी मैंने कौन सी सिक्योरिटी अप्लाई की है, कॉलम लेवल, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम जो सैलरी था उसको हाइड करके मैं व्यू बना रहा हूँ, तो अभी ये रिजल्ट आ रहा था ना, तो इसका अगर मैं यहाँ पे व्यू बना लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आऊँ, अगर मैं इसका एग्जीक्यूट करके व्यू बना लूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अब इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ टू, क्योंकि यही अभी हमने नया व्यू बनाया, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो ये व्यू मैं अपने एम्प्लॉयज को दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का कॉलम अब हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, सही है। तो ये सिक्योरिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर रो लेवल सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और अब इस व्यू का नाम मैं रख देता हूँ व्यू एम्प्लॉयज फॉर थ्री, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कॉलम लेवल हो गया, अब रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको आप उसी तरह कर देता हूँ ए डॉट ऑल, सही है, मतलब कॉलम लेवल नहीं, मैं आप कौन सी सिक्योरिटी अप्लाई कर रहा हूँ, रो लेवल। तो मैं रो लेवल में क्या कर सकता हूँ, पहले ये देखना। देखो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर का भी है, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो एचआर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट का डेटा देख सके, दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा वो नहीं देख सके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, रो लेवल सिक्योरिटी, मतलब मुझे अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर और काउंसलिंग की रोज को हाइड करना पड़ेगा, और जहां जहां एचआर है सिर्फ उनके उनके डेटा को गैदर करके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये व्यू में यहाँ पे अब एक कंडीशन आएगी, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ वेयर वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू, और इसके अंदर कह देता हूँ एचआर, सही है, मतलब मुझे वो डेटा दिखाओ जहां पे सिर्फ एचआर का डिपार्टमेंट हो, सही है, मतलब ज्वाइन करके मुझे वो डेटा दिखाओ जो के सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट हो जिसके अंदर एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो एचआर के कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, चार एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं व्यू सिर्फ एचआर वालों के लिए बना रहा हूँ, मतलब अगर एचआर वालों को अपना डिटेल देखना है तो मैं उनको ये वाला व्यू दे दूंगा, ठीक है, ताकि वो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की डिटेल ना देख सकें, सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के देख सकें। तो अगर मैं इसको व्यू के साथ एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, इस क्यूरी को यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो ये व्यू बन गया, और यहाँ पे आके इसका इसको हम कॉपी करते हैं और इसको मैं कहता हूँ थ्री,
ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो अब ये व्यू में क्या आ रहा है, मतलब रोज हाइड कर दी मैंने, रो लेवल सिक्योरिटी अब अप्लाई की है, देख रहे हो। तो यही आपके पास इसका कॉन्सेप्ट था, कॉलम लेवल और रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे एक हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर यूज होता है, एसपी हेल्प टेक्स्ट, मतलब ये सिस्टम का स्टोर्ड प्रोसीजर है जो बना हुआ है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हमने जो भी व्यू बनाया ना उसका हम कोड गेट कर सकते हैं, क्यूरी गेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, और यहाँ पे अब किसी भी व्यू का नाम, फॉर एग्जाम्पल ये व्यू है ना, मैं इस व्यू का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप रिजल्ट देखना इसका, देखो यही क्यूरी हमने बनाई थी, मतलब ये जो हमने अभी अभी ये जो व्यू फॉर एम्प्लॉयज 3 के नाम से बनाया था, इसमें हमने रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई की थी, ठीक है, उसका पूरा कोड आ रहा है। मतलब एसपी हेल्प टेक्स्ट क्या करता है, व्यू का अगर आपको कोड देखना है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आपने ये फाइल सेव ना की हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको ये कोड देखना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर आते हैं यहाँ पे अल्टर द व्यू, सही है, अल्टर मतलब कि जो व्यू हमारे पास बना हुआ है उसके अंदर अगर चेंजिंग करनी है, मतलब एक एग्जिस्टिंग हमारे पास क्या है, एक व्यू है जो पहले से बना हुआ है, अगर उसके अंदर चेंजिंग करनी है, मतलब नया नहीं बनाना, चेंजिंग करनी है, तो मैं अल्टर करूंगा अपने व्यू को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था ना व्यू, कौन सा, क्रिएट व्यू, मतलब ये व्यू फॉर एम्प्लॉयज 3, मैं यहाँ पे इसको अब अल्टर करता हूँ, मतलब जो बना हुआ है पहले से मैं इसको अल्टर करता हूँ, तो अब क्रिएट की जगह कौन सी कमांड आ जाएगी। अच्छा बल्कि हम इसको यहाँ पे जरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको नीचे पेस्ट करते हैं, और अब यहाँ पे इसको अल्टर करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट की जगह आएगा अल्टर, ठीक है, मतलब इसी व्यू को जो ऊपर हमने बनाया हुआ है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ वेयर डिपार्टमेंट नेम एचआर हो, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिपार्टमेंट नेम बराबर हो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के, ठीक है, मतलब दो का मैं यहाँ पे रिजल्ट देखना चाहूँ। तो अगर मैं सिर्फ ये वाली क्यूरी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो इसका रिजल्ट देखना। अच्छा यहाँ पे हम एंड के बजाय और का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आके और का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अब एचआर और कौन से डिपार्टमेंट का व्यू बना लिया मैंने, एचआर और अकाउंट्स का, मतलब अभी भी हमारे पास जो दो और डिपार्टमेंट थे उनका डेटा शो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे अभी भी रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास व्यू पहले से बना हुआ है, मैं इसको अल्टर करके एचआर और अकाउंट्स का एक व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके मैं इसको अल्टर करूँ, मतलब अगर अभी मैं आपको ये वाला व्यू दिखाऊँ ना, ये वाला अल्टर करने से पहले, तो यहाँ पे अभी सिर्फ किसका डेटा शो हो रहा है, एचआर का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस व्यू को अब अल्टर कर दूँ, मतलब एडिट कर दूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो एग्जीक्यूट हो गया, और अब जाके आपको ये वाला व्यू दिखाऊँ तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो आप एचआर के भी आ रहे हैं और अकाउंट्स के भी आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपने एग्जिस्टिंग व्यू को अल्टर कर दिया है, अपडेट कर दिया, एडिट कर दिया, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। और फिर ड्रॉप, ड्रॉप का तो सबको पता है हम किस लिए यूज करते हैं, जिस तरह हम टेबल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं उसी तरह हम व्यू को डिलीट करने के लिए भी ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँ ड्रॉप व्यू, और यहाँ पे इसको हम फॉर एग्जाम्पल ये वाला व्यू डिलीट करवाते हैं, यहाँ पे आता हूँ ड्रॉप व्यू, और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। और अगर आप मैं दोबारा इस व्यू का डेटा देखना चाहूंगा तो आप एरर देखना, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम व्यू फॉर एम्प्लॉयज, क्योंकि वो उसे मिल ही नहीं रहा। अच्छा फिर यहाँ पे आते हैं, जो तीन चीजें हमारे पास रह गई थी, इंसर्ट विद व्यूज, अपडेट विद व्यूज एंड डिलीट विद व्यूज, मतलब हम तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं व्यूज के साथ, इंसर्ट भी, अपडेट भी और डिलीट भी। लेकिन एक बात याद रखना, आप जब भी व्यू में इंसर्ट करोगे, कुछ अपडेट करोगे या डिलीट करोगे, तो जिस टेबल से आपने ये व्यू बनाया हुआ है उस टेबल के ऊपर भी इफेक्ट होगा, सही है, क्योंकि व्यू खुद कुछ नहीं है, वर्चुअल टेबल है, ठीक है, इमेजिनरी टेबल है, ठीक है, जिसको किसी दूसरे टेबल की मदद से बनाया गया है। तो हमने क्या करना है, जब भी हम व्यू के अंदर कुछ इंसर्ट करेंगे तो जो ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा व्यू क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक व्यू क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखते हैं क्रिएट, पहले क्रिएट की कमांड, फिर व्यू, और फिर यहाँ पे वी डब्ल्यू उसके नेमिंग कन्वेंशन, ताकि हमें पता चले व्यू है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फॉर माई एम्प्लॉयज कर लेता हूँ उसको, ठीक है,
सही है, क्योंकि इस नाम से हमारे पास कोई व्यू नहीं है। फिर एज, और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई एम्प्लॉइज, मतलब माई एम्प्लॉइज टेबल का जो सारा डेटा था ना, सारे कॉलम्स थे, सारी रोज थी, उनके उनका मैं एक व्यू बना रहा हूँ और उसका नाम क्या रख रहा हूँ, व्यू फॉर माई एम्प्लॉइज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके इस पर एग्जीक्यूट करूँ, सही है, तो देखो इस नाम से अब हमारे पास व्यू बन गया जिसके अंदर जो भी डेटा था माई एम्प्लॉइज का वो सारा आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे अब इसको देखना चाहूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर हमारे व्यू का नाम, देखो व्यू भी उसी तरह देख सकते हैं जिस तरह टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप रिजल्ट देखना, देखो सारी रोज आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे तीनों ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले हम आते हैं इंसर्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास इसमें डेटा देखो, मतलब एम्प्लॉय आई डी 1122, मतलब 13 रोज है। मैं इसके अंदर 14th रो ऐड करवाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट, ठीक है, इनटू, और अब हमारे व्यू का क्या नाम है ये, सही। अब देखो याद रखना टेबल में इंसर्ट नहीं करवा रहा, मैं किस में करवा रहा हूँ, व्यू में। ठीक है, वैल्यूज, और यहाँ पे आता हूँ, इसको हम कहते हैं इसकी आई डी हो जाए 113 और इसका नाम फॉर एग्जाम्पल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अरीब, ठीक है, कॉमा, और फिर यहाँ पे जेंडर आ जाए मेल, और यहाँ पे फिर उसके बाद उसकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल आ जाए यहाँ पे 35,000, और सिटी में फॉर एग्जाम्पल हम दे दें यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लास्ट में मैं डिपार्टमेंट दे दूँ फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंसर्ट करवाऊँ, ठीक है, अभी अगर मैं आपको अपना व्यू दिखाऊँ, ठीक है, यही वाला जो हमारा व्यू था इसके अंदर अभी सिर्फ कितनी रोज है, मतलब 13 रोज है। ठीक है, और अगर आपको ये ओरिजिनल टेबल दिखाऊं जिससे मैंने ये व्यू बनाया, इस टेबल से मैंने व्यू बनाया ना, तो अगर मैं यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूं तो देखो इसके अंदर भी अभी कितनी रोज है, 13 रोज है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने व्यू में इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो वन रो अफेक्टेड। अब सबसे पहले मैं अपना व्यू देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो अरीब का डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये व्यू में इंसर्ट करवाया, लेकिन अब अगर मैं अपना ओरिजिनल टेबल देखूं, क्योंकि इसी के थ्रू हमने व्यू बनाया, तो अगर एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे आके इसको स्क्रॉल करते हैं, तो देखो अरीब का डेटा ओरिजिनल टेबल में भी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्क है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे अपडेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा हम यहाँ पे अपडेट करते हैं व्यू के अंदर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपडेट, फिर व्यू का नाम, हमारे पास व्यू का नाम है व्यू फॉर माई एम्प्लॉइज। ठीक है, पेज करता हूँ, फिर सेट। अब सेट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, नेम मैं किसी एम्प्लॉय का चेंज करके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह देता हूँ सुफियान। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे सेट कहाँ करना है, अच्छा नेम नहीं है हमारे पास, कॉलम का नाम है ई एम पी नेम, सही है, ये मतलब ई एम पी नेम मैं सुफियान कर रहा हूँ, कहाँ पे, वेयर, जहाँ पे एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय आई डी फॉर एग्जाम्पल है 130, मतलब ये है अरीब की, सही है, तो जो भी मतलब यहाँ पे अरीब है ना उसका नाम क्या सेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, सुफियान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको अपडेट करूँ, अच्छा देखो अपडेट कहाँ पे कर रहा हूँ, व्यू में कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, तो जब अपडेट करूंगा तो व्यू में भी अफेक्ट होगा और उसके ओरिजिनल टेबल में भी अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आके अगर एग्जीक्यूट करूँ तो देखो वन रो अफेक्टेड, और अब अगर मैं अपना सबसे पहले व्यू देखूँ, इसको स्क्रॉल करते हैं तो नीचे देखो अरीब की जगह क्या हो गया, सुफियान हो गई, ये व्यू में देखा है अभी हमने। लेकिन अगर मैं अभी अपना सिर्फ टेबल देखूं, एग्जीक्यूट करूं और यहाँ पे आके इसको स्क्रॉल करें, तो देखो यहाँ पे भी इफेक्ट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास ऑपरेशन था डिलीट विद व्यूज। ठीक है, मतलब अगर व्यूज के अंदर से मैं कुछ डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ डिलीट फ्रॉम, फिर व्यू का नाम, हमारे पास व्यू का नाम है ये, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और फिर वेयर, यहाँ पे कहता हूँ वेयर एम्प्लॉय आई डी, वेयर एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू अब 1113, मतलब यही जिसमें हमने इंसर्ट भी करवाया था और अपडेट भी करवाया था, इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, व्यू से डिलीट भी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो ये वन रो अफेक्टेड। अब मैं व्यू देखता हूँ सबसे पहले अपना, ठीक है, तो यहाँ पे आओ, अब देखो 13th रो डिलीट हो गई व्यू से। ठीक है, और अगर आप ओरिजिनल टेबल में अपना देखूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे ओरिजिनल टेबल से भी क्या हो गया, वो डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, सही है, तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है व्यूज का। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में,
अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे दो टेबल्स को ज्वाइन करके उनका एक व्यू बनाओ, आप एक टेबल में से पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर कॉलम्स का भी व्यू बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल है ना माय एम्प्लॉइज का, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास डेटाबेस चेंज हो गया, हमारे डेटाबेस का नाम था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको, ठीक है, सही है। मतलब अभी देखो ये एक टेबल है, मतलब जरूरी नहीं है हम दो टेबल्स को ज्वाइन करके उनका व्यू बनाए, मैं एक टेबल के अंदर से भी व्यू बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा व्यू बनाना है जिसमें मुझे एम्प्लॉयज को सिर्फ आईडी, नेम और जेंडर दिखाना है बस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, उसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, क्रिएट, फिर व्यू की कमांड, फिर इसके बाद व्यू वी डब्ल्यू, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ जस्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पे एज, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पे कहता हूँ फ्रॉम माई एम्प्लॉयज, ठीक है, और इसमें से कॉलम मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय हमारे पास नेम, और यहाँ पे जेंडर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप अब रिजल्ट देखना, ठीक है, देखो एग्जीक्यूट हो गया, ये व्यू बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, और इसका अगर डेटा देखना चाहूँ, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू का नाम, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। अच्छा ये एम्प्लॉय वन है, हमारा व्यू का नाम था एम्प्लॉय, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो कितने कॉलम्स आ रहे हैं, सिर्फ तीन कॉलम्स आ रहे हैं। मतलब मैं पर्टिकुलर यहाँ पे एक टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम या रोज का भी क्या कर सकता हूँ, डेटा मतलब उसके थ्रू मैं व्यू के अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अभी मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे कॉलम लिया ना, ठीक है, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल रोज भी रख सकता हूँ। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे अब इसका नाम रख देता हूँ एम्प्लॉय वन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माय एम्प्लॉयज, और यहाँ पे अब कंडीशन देता हूँ माय एम्प्लॉयज वेयर, यहाँ पे कहता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, अच्छा हम अपने कॉलम का नाम देख लेते हैं क्या है, ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है टू, ठीक है, तो अगर इस क्यूरी को मैं चलाऊँ, तो आप देखो जिन एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट आईडी टू है सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास रोज नजर आ रही है। तो अगर मैं इसका व्यू बना लूँ, मतलब ये एक टेबल में से कर रहा हूँ मैं, अब दो टेबल को ज्वाइन करके नहीं कर रहा, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आके मैं इस व्यू को देखना चाहूँ, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फिर व्यू का नाम, और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो वही व्यू आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस दफा सिंगल टेबल में से आ रहा है, सिंगल टेबल में से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है दो टेबल्स को ज्वाइन करके करो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।